चुनावी रंजिश में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद चली गोलियां, एक महिला समेत 5 लोग घायल, इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान ने मौजूदा प्रधान के चचेरे भाई व चाचा चाची सहित अन्य परिजनों पर गोलियां बरसाकर हमला कर दिया। कई राउंड फायरिंग के दौरान प्रधान के चचेरे भाई की मौत हो गई, जबकि चाचा व चाची एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना थाना एकौना क्षेत्र के ग्राम पंचायत जयचंदपुर कटघरा की है, जहां पर अरविंद तिवारी मौजूदा प्रधान है। उनका भाई पूर्व प्रधान शिव कुमार शुक्ला से चुनावी विवाद काफी दिनों से चल रहा था। गुरुवार शाम 5 बजे प्रधान के चाचा राकेश तिवारी अपने घर के सामने बैठे थे, तभी पूर्व प्रधान शिव कुमार शुक्ला से उनकी कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते पूर्व प्रधान के कुछ अन्य परिवारिक जन राकेश तिवारी के घर के पास आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी, तभी पूर्व प्रधान की ओर से किसी ने राकेश तिवारी पर बंदूक से फायर कर दिया। इसमें संजय तिवारी पुत्र राकेश, राकेश तिवारी, बिमला देवी पत्नी प्रेमनाथ व सुखदेव तिवारी को गोली लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकौना पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने संजय तिवारी को मृत घोषित कर दिया। बाकी घायलों का मेडिकल कॉलेज बैरिक रेफर कर दिया। सीओ एकौना संतोष कुमार व प्रभारी निरीक्षक महिमानाथ उपाध्याय ने घटनास्थल पर जायजा लिया। पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। वहीं एसपी श्रावस्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस बल की तैनाती की गई। थाना एकौना अंतर्गत जयचंद कटघरा नाम का गांव है, जहां पे आज शाम को 6:45 के लगभग दो गुटों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट हुई और उसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर फायरिंग की। जिन लोगों को गोली लगी है वो कुल 5 लोग थे, जिनके नाम है सुखदेव तिवारी, संजय तिवारी, विमला देवी, राजन और अभिषेक तिवारी। इसमें से संजय तिवारी जी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, बाकी 4 लोगों का इलाज सीएससी में चल रहा है। कुल 5 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है, आला कतल भी बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटघरा में गोली चली है, मनोज कुमार प्रधान पूर्व प्रधान का, जो प्रधानी की रंजिश चल रही थी, दो बच्चे आपस में आ रहे थे सड़क से घूमते घूमते, उनको पहले बहला फुसला के उसके बाद मारने पड़ने लगे। जब हमारे घर के लोग दौड़े तो उनको ऊपर से उनकी औरत और सब लोग छत से बंदूक गिरा दिए, और बंदूक गिराने के बाद सीधे गोली चल गई, जिसमें एक आदमी मृत्यु हो गया, जिसका नाम संजय तिवारी पुत्र राकेश कुमार तिवारी है। किसने चलाई है गोली? राकेश, मनोज प्रधान, आलोक शुक्ला और भगेलू। ये प्रधान वर्तमान नहीं, पूर्व प्रधान है। ये लोग वर्तमान प्रधान है? ये लोग वर्तमान प्रधान है। ये जो मरा है ये कौन है? ये प्रधान के चाचा के लड़के हैं। ये जो घायल हैं ये कौन है? ये इनके मतलब दूसरे पापा हैं? नहीं, दूसरे चाचा के लड़के हैं। दूसरे चाचा के, जिनका नाम सुखदेव प्रसाद तिवारी है। और ये जो रिफर हुए हैं? रिफर ही नहीं हुए हैं, सुखदेव प्रसाद तिवारी जो हैं वो संजय तिवारी हैं, वो मर गए। एक आदमी है जो उनकी मतलब चाची है, उसके भी सीने में गोली लगी है, छर्रा भी अटका हुआ। लेडी नहीं है, कोई जेंट्स आदमी है? लेडी है, गोली लगी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।